व्यूअर्स, वेलकम बैक और हेल्दी मॉर्निंग। और अब वक्त हो चुका है हमारे आज के पोल के सवाल का। जिस तरह आपको पता है, हम रोज़ाना कोई ना कोई मज़े का हमारी लाइफ से रिलेट करता हुआ सवाल लाते हैं, आज भी हमारे पास एक ऐसा ही सवाल है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा आज का सवाल। और हमारा आज का सवाल है, मोबाइल फ़ोन तो सब यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, लेकिन हमें ये मालूम करना है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। एसएमएस करना प्रेफर करते हैं, मैसेज कर मैसेज जैसे एसएमएस कहते हैं की बात है, मैसेज करना प्रेफर करते हैं या कॉल करना प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग ही उनको मैंने ये देखा है कि वो कॉल नहीं करते, वो एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। कॉल शायद उनकी तरफ से बहुत रेयरली, मतलब कोई ओकेजन ही हो तो हम लोग की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी ओकेजन में भी सिर्फ मैसेज आ जाता है। तो हमें आपसे मालूम करना कि आप क्या करना पसंद फरमाते हैं, एसएमएस करना पसंद फरमाते हैं या कॉल। और यही सवाल जो है हम लोगों ने कुछ लोगों से किया और चल के देखते हैं उन्होंने हमें इसका क्या जवाब दिया। SMS फोन कॉल मेरे लिए तो SMS मुझे क्या मान कॉल SMS करें तो फोन बजेगा उठाएगा, उसको पता लगेगा कि कॉल आई है किसी। अच्छी बात है SMS नहीं करने से, डायरेक्ट फोन करो, क्या टाइम बर्बाद। SMS से ज्यादा इजीली इंसान बात कर लेता है, फोन कॉल बस आराम से बात हो जाती है, पैकेज करवा लेते हैं उसमें फायदा होता है। फोन कॉल में झिझक होती है सामने वाले से बात करने में, SMS से कुछ भी लिख के बोल दो। मेरे ख्याल से हम क्लास में बैठ के भी SMS कर सकते हैं ज्यादा, और एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं बनिस्बत के फोन। क्लास से टीचर जाने नहीं देता बाहर, और हम लोग फोन SMS यूज करके अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रह सकते हैं। बस वैसा है, वो फोन कर दे, फोन से SMS जो कर दे वो कांगला कर दे। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा हमने कुछ लोगों से पूछा कि वो SMS करना प्रेफर करते हैं या फ़ोन कॉल। किसी ने कहा टाइम का ज़ाया क्यों करें, हम लोग डायरेक्टली फ़ोन करते हैं। कोई कहता है SMS कर लेते हैं, पैकेज बना लेते हैं तो SMS कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं इसकी, इसमें हम थोड़ी बहुत बात भी करेंगे कि SMS करने की क्या इंपॉर्टेंस है और फ़ोन करने की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप लोग की राय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो आप हमें बता सकते हैं ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv। SMS करके H और M लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। और हमारा जो फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पे भी जाके आप इस पेज को लाइक कीजिए। और हमारी वॉल पे भी आप आके बता सकते हैं कि आप क्या प्रेफर करते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि क्यों करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। इनफैक्ट वी वांट टू नो कि आप हमें बताएं। और अब हमारी फोन लाइंस ओपन हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट, जिसमें हमारे पास मौजूद होंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद साहब। तो चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट, और हमारे पास आपको पता है इसमें मौजूद होते हैं, पता है ना आपको, अली मोहम्मद साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल। अच्छा अली, हम लोग आज जो हम लोगों का पोल का सवाल है वो ये है कि हम SMS करना प्रेफर करते हैं या कॉल, आप क्या करना प्रेफर करते हैं? देखिए, इसमें राफे डिपेंड करता है कि आगे जिसको आप SMS कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं वो कौन है। अगर आपसे सीनियर है सिटीजन, या आपका बॉस है, या आपका कोई सुपीरियर है, तो फिर तो आपको कॉल करनी चाहिए। और इसमें भी दो राय हैं, जो लोग फॉरेन से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो डिसलाइक करते हैं डायरेक्ट कॉल करना। उनसे पहले आप परमिशन लें SMS करके कि आर यू फ्री और हैविंग, मतलब किसी पर्सनल काम में इन्वॉल्व तो नहीं है, सो तो नहीं है। अगर वो रिप्लाई कर देता है तो फिर आप कॉल करें। लेकिन हमारे मुल्क में अगर आप किसी सीनियर को, किसी बॉस को SMS कर देते हैं, तो वो माइंड कर जाता है बहुत ज़्यादा कि आपने उसको मतलब जस्ट SMS किया है। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड के सर्कल को, कुलीग्स को तो SMS ही करते हैं ज़्यादातर। सही। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अली कि
देखिए कॉल करना जो है ना डायरेक्टली, कभी होता है कि इंसान बहुत सारे काम कर रहा होता है, उसका दिमाग 10 चीज़ों में लगा होता है, एकदम से कॉल बच गई एंड यू नो यू हैव टू पिक दैट अप एज वेल. डॉक्टर्स जिस तरह होते हैं वो पेशेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, मैं अक्सर पेशेंट पे काम कर रही हूँ, तो यू नो इस तरह ही होता है कि यू कांट पिक अप अ कॉल. ठीक है, और वो कॉल जो होती है, अब दूसरे की कॉल ना उठाओ तो उसको और लगता है कि वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग दैट वे. तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि यू ड्रॉप एन SMS कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू या ये और वो, और उसमें आप अपना मकसद बता दें कि दिस वॉज द थिंग, वैन यू गेट फ्री कॉल मी बैक और समथिंग यू नो. तो आई थिंक ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है इंस्टेड ऑफ जस्ट इंट्रूडिंग लाइफ. कुछ लोग कॉल करने को डायरेक्ट इंट्रूजन कहते हैं किसी की लाइफ में, अनलेस यू आर वेरी फ्री और आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं है, आपने अपने सारे काम सुबह निपटा लिए, अब आप फ्री हैं सारा दिन, तो आप कॉल्स आराम से अटेंड कर सकते हैं. लेकिन आप सारा दिन अगर आप काम कर रहे होते हैं तो कॉल अटेंड करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपके फ्रेंड सर्कल और सब लोग गुस्से में माइंड के हमारी कॉल कभी नहीं उठाते और ये नहीं और वो नहीं है. तो इस सूरत हाल में SMS ड्रॉप करना सबसे बेहतरीन रहता है, और इसी बात पर हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, रिफ्रेशिंग मॉर्निंग डॉक्टर साहब. गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? इजाज़ बोल रहा हूँ. इजाज़ साहब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए आप. नहीं आपकी कॉल नहीं मिलती, मैं तो रोज ट्राई करता रहता हूँ. जी चलिए ठीक है, आज आप लकी, आज आपकी पहली सबसे पहली कॉल आपकी है. अगर फर्स्ट टाइम मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज वो होल्ड भी रहते हैं. अच्छा अच्छा, जैसा आज हमारा पोल का जो सवाल है उसका जवाब देंगे. जी बिल्कुल, डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी. अगर तो इशू अर्जेंसी का है तो देन इट शुड बी अ कॉल डायरेक्ट, वरना देन मैसेज कर दीजिए. ओके, वैसे भी है, इशू पे भी डिपेंड करता है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सन इशू पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा थोड़ा सा इंसान पे भी डिपेंड करता है जिसको आप कॉल या SMS करने वाले हैं ना. डेफिनेटली अगर उनकी कमिटमेंट ज्यादा है तो मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज कॉल कर दीजिए. सही. अच्छा, अभी आज कुछ आज आप एस्ट्रोलॉजी में क्या सीखना चाहेंगे? बस एक दो चीजें पूछनी थी अगर आप इजाजत दें. अली साहब से बात हो रही है? अली साहब बैठे हैं. अस्सलाम वालेकुम अली साहब. वालेकुम सलाम इजाज साहब, खैरियत से हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और एक दो चीजें पता करनी थी. एक तो कैंडी मुझे जरा दोबारा क्लैरिफाई कर दीजिए, असेंडेंट का डेट ऑफ बर्थ है मेरी 4th June 1959. 4th June 1959, टाइम बताइएगा. 11:30 PM. 11:30 PM कहाँ? रावलपिंडी में. आपको आपका असेंडेंट मालूम करना है जी, और साथ में से वो मून साइन भी. और उसके बाद एक क्वेश्चन होगा अली साहब से कि जो प्लैनेट्स कहते हैं रेट्रोग्रेड होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है? जो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं, ठीक है जी, आपको बता. आपने 1959 बताया. हाँ 1959. 11:30 PM. ओके एग्जैक्ट. चलिए जी जा साहब, हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अल्लाह हाफिज. अपना असेंडेंट पूछ रहे हैं, अपना मून साइन पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं जो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड बड़े होते हैं उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं. देखें इनका जो असेंडेंट है वो है कैप्रिकॉर्न, और इनका जो मून साइन है वो है टॉरस. अच्छा। और ये मुझे अंदाजा था कि टॉरस लोग अक्सर जो है बड़े ही चीजों के पीछे लग जाने वाले लोग होते हैं. बड़ी एस्ट्रोलॉजी के पीछे लग चुके हैं, जिस चीज के पीछे लग जाते हैं. आपको भी ऑब्जर्व कीजिएगा, जिन लोगों का टॉरस मून साइन हो बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजों के मतलब बाल की खाल निकालना एक पता नहीं हैरान कुन बात है. बाल की खाल एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म वाली चीज भी होगी. क्रिटिसिज्म नहीं होती, लर्निंग ज्यादा, लर्निंग के लिए मून एग्जॉल्टेड होता है एक्चुअली टॉरस में. बहुत अच्छी पोजीशन होती है ये मून के लिए. अच्छा, तो इनका जो है, और देखें रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एबनॉर्मल बिहेवियर होता है प्लैनेट्स का. जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि ये होगा, उसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट देता है. अच्छा। अब ये रेट्रोग्रेड में भी वो रेट्रोग्रेड सिर्फ प्लैनेट अपने एनिमी साइन में रेट्रोग्रेड है तो कुछ और इफेक्ट होगा, अगर फ्रेंडली साइन में रेट्रोग्रेड है तो कुछ और इफेक्ट होगा, अगर वो एग्जॉल्टेड रेट्रोग्रेड है यानी कि अपने एग्जॉल्टेड साइन में है लेकिन रेट्रोग्रेड है तो कुछ और इफेक्ट होगा, डिबिलेटेड है और रेट्रोग्रेड हो तो कुछ और. जैसा भी तो लंबा मसला है जी. ये तो आपको कभी डिटेल में जी आके एक काम कीजिए, आप अली से क्लासेस आके ले ही लें. हाँ जी, आप उनका नंबर ले लीजिए कंट्रोल रूम से, अली से बात कीजिए और उनकी क्लासेस जाके आजकल जो पढ़ा रहे हैं ना वहाँ जाके एक बार पढ़ लें इनसे अच्छे से जी. और हमारे पास एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात? ओके भाई गुड, कौन बात कर रहे हैं? मैं इरम कहाँ से? कराची से जी. क्या हमारे पहले पोल का जवाब दीजिए. मैं ये सोचती हूँ कि कॉल से ज्यादा अच्छी बात हो सकती है. कॉल पे ज्यादा अच्छी बात हो सकती है जी. हाँ
चलिए भी ठीक है, बाकी कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा रहता है आपका, कॉल पे क्लियर भी होता है, दूसरा इंसान सामने होता है, इमीडिएट आंसर्स आ जाते हैं आपको, है ना? जी ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे अपने सिस्टर के बारे में पूछना था। सिस्टर के बारे में पूछना था, सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 सितंबर 1992। कहाँ पैदा हुई? कराची में। 129। कराची में कहाँ, कब? 129 AM। हाँ ठीक है, 1 AM। अच्छा, क्या पूछना कि जाएंगे बहन के बारे में? मुझे उनके मून साइन के बारे में पूछना था, शादी सोन चक्र एंड फ्यूचर हाउसेस। मून साइन के बारे में पूछना था, शादी चक्र, शादी वादी भाई सारी पूछनी है उन्होंने इसकी। मून साइन एंड शादी बताते हैं, ठीक है जी। देखिए मून साइन इनका जो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। आई लव, चलिए ये बहुत, एक तो आपकी सिस्टर जो है बहुत सेंसिटिव है और आर्टिस्टिक सेंस बहुत है उनको, या तो जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह कोर्स किया होगा या कोई सिलाई कढ़ाई का कोई ना कोई इस तरह के उनकी जो है ना वो इंटरेस्ट होगा। हाँ इंटरेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। और मून साइन इनका विर्गो है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगी हर चीज़ में से, कीड़े निकालना, नुक्स निकालना, अनसेटिस्फेक्शन, थोड़े बहुत झगड़े वगैरह होना बहनों से, खास तौर पे ऐसा होता है आपके साथ इनका? आपके साथ लड़ाई करती है? लड़ाका बहन है। अच्छा चलिए। और टेंपर भी लूज कर जाती है और बहुत परफेक्शनिस्ट हैं बहुत ज्यादा। हाँ तो परफेक्शनिस्ट लोग तो होते हैं ना फिर ऐसे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, परफेक्शन ऐसा होना। हाँ परफेक्शन। दूसरा ये कि शादीशुदा लाइफ में इनके थोड़े से इश्यूज आएंगे परफेक्शनिस्ट होने की वजह से। और बाकी ये कि टैलेंटेड बहुत हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और आर्टिस्टिक सेंस बहुत अच्छा है उनका। अच्छा, घर को बनाने सवारने की, गाड़ियों का इनको बड़ा शौक होना चाहिए, होटलिंग का, गाड़ियों का, गाड़ियों लड़कों को होता है? नहीं इनको होगा। अच्छा इनको अच्छी गाड़ियों इंटरेस्ट, इन्हें गाड़ियों का शौक है? अब तक तो नहीं है, चलो हो जाएगा। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, हमारा जो सवाल है वो मैं रिपीट करती चलूं। हमारा सवाल है कि आप कॉल करना प्रेफर करते हैं या एसएमएस करना? इसका जवाब आप हमें कॉल करके, कॉल ही करके दे रहे हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं, कॉल भी करके दे रहे हैं जी। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, हम अभी वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा।